तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो आज जो कहानी है, अपने क्राइम तक फैमिली मेंबर बहुत सारे लोगों ने इसकी सिफारिश की थी, काफ़ी वक्त से सुनना चाहते थे, अब इसका नंबर आया है। इस दुनिया में अजीब अजीब सारे रहस्य हैं, राज हैं, हॉन्टेड प्लेसेस हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका सच कोई नहीं जानता। तो आज की कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक ज़रूरी बात जो आप तक पहुंचा दूं, वो ये कि आप चूंकि तमाम लोग कहानियों के शौकीन हैं, कहानियां सुनते हैं अलग अलग कहानी, तो ऐसी कहानियां सुनाने का एक और प्लेटफॉर्म है जो है कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम ऐप पर आप तमाम तरह की कहानियां सुन सकते हैं, जिसमें क्राइम की भी है, कॉमेडी की भी है, क्रिमिनल्स की भी है, बायोग्राफी भी है, तो मज़ा आएगा। आप ज़रूर कुकू एफएम ऐप पर कहानियाँ सुनें, अपनी पसंद की सुनें, और ख़ासतौर पर क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 है, बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ, आप इसे देखें, पढ़ें, और मौका मिले तो ज़रूर कुकू एफएम पर भी आप कहानियाँ सुनें, अपनी पसंद की कहानियाँ सुनें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की जो कहानी है वो ऐसी एक टापू की है, एक बंदरगाह की है, एक आइलैंड की है, एक ऐसे आइलैंड की जिसको बरसों तक कोई नहीं जानता था। लेकिन इस आइलैंड में ऐसी कुछ चीज़ें हुई कि उसके बाद पूरी दुनिया में ये आइलैंड एक तरह से मशहूर हो गया। अब सैलानी टूरिस्ट इस आइलैंड की तरफ जाते हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे राज, डर, खौफ भी रहता है। कहते ये भी हैं कि कोई अकेला नहीं जाता, ना उन्हें अकेले जाने की हिदायत दी जाती है, कहा जाता है कि आप टूरिस्ट गाइड को ज़रूर साथ रखिए, और ये भी है कि सूरज डूबने से पहले वहाँ से लौट आइए, वहाँ रुकिए मत। ऐसा क्यों है और ये क्या कहानी है? कहानी एक ऐसे आइलैंड की है जिसके पेड़ों पर हजारों गुड़िया यानी कि डॉल्स टंगी हुई हैं, लटकी हुई हैं। कहते हैं कि आमतौर पर जो गुड़ियाएं होती हैं, जो डॉल्स होती हैं, बच्चे जो खेलते हैं, उनके मुकाबले यहाँ की गुड़ियाएं बिल्कुल अलग हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो भटक कर, जब ये सारी चीज़ें सामने नहीं आई और वो पहुँच गए उस आइलैंड पर, डर के मारे उनकी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने ऐसी गुड़िया अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। पेड़ों पे एक तो पहली बार गुड़िया का टंगना, लटकना, ये अपने आप में अजीब है, और उन गुड़ियाओं का जो हुलिया देखना, उनकी आँखें, उनके चेहरे, उनकी मुस्कुराहट, वो अपने आप में और भी खौफनाक और ख़तरनाक। बहुत सारे लोग उल्टे पैर वापस आ गए। कहते हैं कि इस आइलैंड पर, इस टापू पर किसी एक बच्ची की आत्मा है, और उसी आत्मा की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या है द आइलैंड ऑफ डॉल, कुछ लोग इसको द आइलैंड ऑफ डेड डॉल भी कहते हैं, उसकी कहानी क्या है और ये कहाँ है? मैक्सिको, मैक्सिको से करीब 19 मील की दूरी पर ये आइलैंड, ये टापू है, और इस आइलैंड का नाम है ला इस्ला दे लास म्यूनिकास। थोड़ा सा मुश्किल नाम है, तो ला इस्ला मान के चलिए। तो ये एक टापू है, ये टापू दुनिया की नज़रों में पहले नहीं था। कहानी करीब 62 साल पहले शुरू होती है। बहुत सारे मैक्सिको के इर्द गिर्द आसपास में ऐसे छोटे छोटे टापू थे, आइलैंड थे, जहाँ पे कोई नहीं रहता, जंगल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, और वहाँ इंसान कोई नहीं बसता। इस टापू की कहानी भी 1950 में शुरू हुई थी। इस टापू के इर्द गिर्द कुछ और भी टापू हैं। कहते हैं कि ऐसे एक और टापू पर एक शख्स रहता था जिसका नाम था जूलियन संताना बर्रेरा, कुछ लोग डॉन जूलियन भी कहते थे उसको। डॉन जूलियन वेजिटेबल, सब्जियां बेचता था, गुजारा करता था, परिवार के साथ रहता था, लेकिन धीरे धीरे फिर अचानक उसका दुनिया के कामों में मन उचाट हो गया एक तरह से, और वो फिर ईश्वर, गॉड, अल्लाह, इसकी तरफ, ऊपर वाले की तरफ उसका ध्यान चला गया। उसके इस बदलाव की वजह से परिवार वाले थोड़ा गुस्सा भी हुए कि ये क्या कर रहा है, और फिर आए दिन की बकबक और झगड़े की वजह से एक रोज़ डॉन जूलियन अपना घर बार छोड़कर, उस टापू को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, और उसके बाद अब वो क्या करे, तो पहुँचता है थोड़ी दूर पर ही एक दूसरा टापू, जो जहाँ पे इंसान नाम की कोई चीज़ नहीं, उस टापू पे कोई नहीं रहता था, बियाबान, उजड़ा हुआ टापू। ला इस्ला दे लास म्यूनिकास नाम के इस टापू पर डॉन जूलियन बर्रेरा पहुँच जाता है। 1950s के आसपास की बात है ये, और अब ये टापू ही उसका घर हो जाता है। वो उस टापू पे रहता है,
अपने ऊपर वाले की प्रार्थना प्रेयर करता है और वहीं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर शुरू कर देता है। ना उसे दुनिया से कोई लेना देना, ना दुनिया को उससे कोई लेना देना, और टापू पे अपनी ज़िंदगी वो गुजारता है। वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो वो खा पी सकता था, लेकिन दुनिया से कट गया। परिवार वालों ने भी उसकी कोई सुध नहीं ली और उसी टापू में वो रहने लगा, एक गुमनाम बेआबान अनजान टापू। धीरे धीरे वक्त बीता। इसके बाद 1990 की तारीख आती है। साल 1990 में कोई यूरोपियन फिल्म मेकर मैक्सिको में शूट कर रहा था, करते करते कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही होगी। वो अचानक इस टापू की तरफ पहुंच जाता है। इस टापू पर जब वो पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। देखता कि यहाँ पेड़ों पर हज़ारों गुड़ियाएँ टंगी हुई हैं, लटकी हुई हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है। खैर, वो हिम्मत करता है, क्रू मेंबर उसके साथ थे, कुछ फ़ोटो लेता है, वीडियो बनाता है और वहाँ से लौट आता है। इसके बाद ये चीज़ अब दुनिया के सामने आती है, वो तस्वीरें सामने आती है। इस आइलैंड की उन गुड़ियाओं की तस्वीर आप इस कहानी में देखिएगा बीच बीच में। तो उसके बाद वो चला जाता है, लेकिन इस गुड़िया का राज और इस टापू की सच्चाई पहली बार तस्वीरों और वीडियो के जरिए दुनिया देखती है। जैसे ही देखती है तो सबसे पहले खुद मैक्सिको में ही मीडिया वाले इसे सुर्खियों में दिखाना शुरू करते हैं। अखबारों में तस्वीरें छपती, आइलैंड की अब कहानियाँ, अब मीडिया के कुछ लोग पहुँचना शुरू होते हैं, वो दिखाना शुरू करते हैं। कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन सब कुछ खामोश हो जाता है। फिर लोग भूल जाते हैं आइलैंड को, कि ऐसी भी आइलैंड है जहाँ गुड़िया पेड़ पर टंगी हुई है। कुछ दिनों का तमाशा था खामोशी, उसके बाद बात आई गई हो गई। लेकिन फिर अप्रैल 2001 की तारीख आती है। अप्रैल 2001 में, अच्छा, इस दौरान 90 से जब ये सारी तस्वीरें उस पूरे दुनिया के सामने आई तो बहुत सारे लोगों के अंदर में एक जिज्ञासा जागी कि अरे क्या है यहाँ पे, क्यों पेड़ पे गुड़िया है, इसका राज क्या है, चलो देखते हैं। तो कुछ टूरिस्ट, कुछ इस तरह के लोग जो ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं, उनका आइलैंड पे आना, उस आइलैंड पे आना जाना शुरू हो गया। आने जाने के दौरान उन्हें वहाँ डॉन जूलियन से भी मुलाकात हुई। पता चला कि ये बंदा यहीं पे रह रहा है 50-60 साल से बल्कि। तो अब वहाँ पे आना जाना जब शुरू हुआ तो लोगों ने आइलैंड के बारे में कुछ और जानकारी हासिल की, डॉन जूलियन के बारे में भी पता चलता रहा। लेकिन अचानक फिर अप्रैल 2001 की एक तारीख आती है, डॉन जूलियन की लाश इसी आइलैंड पर मिलती है, पानी के किनारे। अब कुछ लोग आए हुए थे, कुछ टूरिस्ट भी उस वक्त तक अपना पैसे कमाने के लिए, अब कई गाइड भी पैदा हो गए थे जो सैलानियों को लेकर आते थे इस टापू पर, क्योंकि करीब 1.5 घंटे का सफ़र था नाव से। तो 1.5 घंटे के सफ़र के बाद इस टापू पर लोग आते थे, तो अब वो भी आने लगे थे। तो ऐसे ही एक सैलानी का ग्रुप वहाँ पहुँचा था और साथ में गाइड था, और वो गाइड डॉन जूलियन को भी जानता था। अब वहाँ पहुँचा तो देखा उसने जूलियन है नहीं, इधर उधर देखा तो पानी किनारे जूलियन की लाश पड़ी थी। जूलियन की जब लाश मिली उसके बाद मैक्सिको के मीडिया में अचानक खबरों की बाढ़ आ गई, और वो खबरें जो जूलियन ने उस वक्त बातचीत की थी 2001 से पहले और 90 के दरमियान में, अब वो सारी चीज़ें लोगों ने लिखना शुरू किया। और उसके बाद वो कहानी सामने आने लगी कि जूलियन ने क्या कहा था। 1950s से वो इस आइलैंड पे था, इन गुड़ियाओं को पेड़ पे टंगना शुरू हुआ, क्या मामला था, क्या राज था। तो जूलियन की कहानी अलग अलग जर्नलिस्ट, अलग अलग लोगों ने सुनी। उस वक्त उन्होंने कुछ ने छापी, कुछ ने नहीं छापी। लेकिन जब जूलियन की मौत के साथ ये राज आया कि उसकी लाश जिस जगह मिली थी उस जगह की वजह से वो पुरानी कहानी 10 साल पुरानी फिर से ज़िंदा हो गई। और इसके बाद इस आइलैंड, द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स, ये डॉल्स, इसकी कहानी प्रमुखता से आने लगी। अब पूरी कहानी क्या थी, तो जो पूरी कहानी, डॉन जूलियन जो इस टापू का इकलौता एक तरह से मालिक था, केयरटेकर था, क्योंकि और कोई इंसान आता नहीं था, सरकार बाकी लोगों ने इस पर कुछ कब्जा करके या कुछ करने की उनकी नीयत भी नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे बंजर बेकार टापू पड़े हुए थे और इस टापू पर अकेला जूलियन रहता था। कहते हैं कि एक रोज़ इसी टापू पर रहने के दौरान, जूलियन नदी के किनारे था, मतलब पानी के किनारे, अचानक उसे एक चीख सुनाई दी।
जब वो करीब गया तो उसने सुना कि एक किसी बच्ची की आवाज़ है, वो कह रही है, माई डॉल वेयर इज़ माई डॉल। तो ये और करीब गया तो इसने अचानक देखा कि पानी के किनारे एक छोटी सी बच्ची वो डूब रही है। इसने किसी तरह उसे पानी से बाहर निकाला। वो तब तक उससे यही कहती रही, वेयर इज़ माई डॉल वेयर इज़ माई डॉल। उसे लगा ये अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है, लेकिन गुड़िया ढूंढ लेंगे, पहले इसको बचाओ। वो उसे पानी से बाहर निकालता है, कोशिश करता है, लेकिन बच्ची को बचा नहीं पाता और बच्ची की मौत हो जाती है। जूलियन को ये लगता है, ये आत्मग्लानी फील होता है कि शायद वो बच्ची को ठीक से बचा नहीं पाया। उसे लगता है उसकी मौत का जिम्मेदार वो है, और इसी अफसोस में था। तभी थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि जिस जगह पे वो बच्ची पानी में थी उससे थोड़ी दूरी पर एक गुड़िया पड़ी हुई है। वो उस गुड़िया को उठाता है और समझ जाता है कि शायद ये इसी बच्ची जो कह रही थी मेरी गुड़िया कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है, ये उसी की गुड़िया है। उसे लगा बच्ची तो रही नहीं और इस गुड़िया को आखिरी वक्त तक ढूंढ रही थी। तो जहाँ पे उसने उस बच्ची को दफनाया, उसकी लाश को पानी के किनारे, वहीं पे एक पेड़ था। उस पेड़ पे उसने उस बच्ची की गुड़िया को, यही मान रहा था कि उसी की है, टांग दिया कि शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिले। ये सब करने के बाद वो अपना जहाँ टापू पे रहता था वहाँ गया, सो गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि एक और गुड़िया पड़ी हुई है पानी किनारे। उसे हैरानी भी हुई, लेकिन गुड़िया उठाया और उसने टांग दिया पेड़ पे। ये सोचकर उसके मन में कि शायद इन गुड़ियाओं में इस बच्ची की आत्मा है और इसलिए इसको इसी के पास रखा जाए ताकि कुछ होना हो। फिर इसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। वो जब सुबह सोकर उठता और निकलता तो देखता कि टापू पे गुड़िया ही गुड़िया है, और वह एक एक गुड़िया को उठाता और पेड़ पर टांगना शुरू कर देता। कुछ दिनों बाद उसे रात को अचानक गुड़िया के खुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे गुड़िया आपस में बात कर रही हैं। कई बार उसे लगा कि गुड़िया अपनी पुतलियाँ हिला रही आंखों की, कई बार लगा कि गुड़िया अपने चेहरे को हरकत दे रही है, कई बार लगा वो पलट कर घूर रही है, देख रही है, उनकी आंखें देख रही हैं। इसके बाद डॉन जूलियन को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं उस बच्ची की आत्मा इन गुड़िया के अंदर है, और इसके बाद से वो और ज़्यादा गंभीर हो गया। लेकिन हैरानी ये थी कि लगातार वो जब भी उठता और उसे गुड़िया मिलने का सिलसिला चलता रहता, और ये गुड़िया मिलने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। वक्त बीतता गया, गुड़िया मिलती गई, तादाद बढ़ती गई, और वो उनको पेड़ों पर टांगता रहा, 10, 20, 50, 100, सैकड़ों, कई सौ गुड़ियाएँ आप उस टापू के पेड़ों पर टंगी थी। इस दौरान में 1990 में जब बताया आपको कि एक फिल्म मेकर आया और उसने ये सारी चीज़ें देखी, डॉन जूलियन भी मिला, उस दौरान उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं उसने ये सारी कहानियाँ बताई, बट लोगों को यकीन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी दुनिया के सामने पहली बार इस टापू का नाम आया और लोग डरने लगे कि यहाँ गुड़िया, इनका राज क्या है। इस दौरान में जब पता चला कि इस आइलैंड पे बहुत सारी गुड़ियाँ पेड़ पे टंगी हैं, तो जो लोग घूमने आते थे वो अपने साथ भी गुड़िया लेकर आ जाते थे और वो भी पेड़ पे टांग देते थे। तो इस तरीके से कहते हैं सैकड़ों से हज़ारों गुड़ियाँ हो गई। फिर एक कहानी ये भी छपी कि डॉन जूलियन ने एक जर्नलिस्ट को बताया कि उसे यकीन है कि इन गुड़ियाओं में उस बच्ची की आत्मा है, और उसने कहा कि उसने कई बार ऐसी आवाज़ सुनी और उसे सपने में भी आया कि जब तक इन गुड़िया को छेड़ा नहीं जाएगा, यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, कोई बाहरी शख्स इस टापू पे कदम नहीं रखेगा, तब तक सब कुछ ठीक है, हमें छेड़ा ना जाए, और इसीलिए उन गुड़ियाओं की हिफाजत करता, बाहरी लोगों को गुड़िया के करीब नहीं आने देता। लेकिन अप्रैल 2001 में अजीब वाकया हुआ। जब डॉन जूलियन की मौत हुई और जब वो सारे लोग पहुँचे तो पता चला कि डॉन जूलियन ठीक उसी जगह पर मरा जिस जगह पर करीब 62 साल पहले उस बच्ची की लाश मिली थी। यह बच्ची डूब रही थी जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी और वो बचा नहीं पाया, और उसी जगह पर उससे थोड़ी दूरी पर पहली गुड़िया मिली थी। अब उसी जगह पर डॉन जूलियन की लाश का मिलना वैसी हालत में और वैसी पानी के किनारे, ये एक और अफवाहों कहें या रहस्य, इसको एक और जन्म दे देता है। डॉन जूलियन की मौत अब अखबारों में सुर्खियां थी, और इसके बाद फिर से ये खबर आ गई
कि ये टापू जो है यहाँ पे आत्माओं का वास है, यहाँ की जितनी गुड़ियाएँ हैं उनमें आत्मा है और उस बच्ची की आत्मा है, और उसी बच्ची और गुड़िया और उस आत्मा की वजह से डॉन जूलियन की भी मौत हुई है। अब ये बात जब पता चली तो 2001 के बाद फिर से यह आइलैंड जो है एक बार और लोगों की जुबान पे इसका नाम चढ़ गया। लोग अब फिर से उस आइलैंड का रुख करने लगे। 1.5 घंटे का सफ़र, धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती गई, लोग वहाँ गुड़िया को देखते। बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं होती, वो टापू को दूर से ही देख के निकल लेते, लेकिन लोगों से भी कहा गया कि आप जाएंगे तो वहाँ रात को रुकेंगे नहीं, सूरज डूबने से पहले निकल लीजिए। लोग यही करते। लोगों को ये भी कहा गया कि आप बिना टूरिस्ट गाइड के वहाँ नहीं जाएंगे, और आप उनके साथ जाएंगे और उनकी बातों को आप मानेंगे। तो लोगों का एक काफिला चल पड़ा आइलैंड की तरफ। उसके बाद धीरे धीरे ये एक टूरिस्ट प्लेस बन गया। आज करीब 31 साल मौत को हो चुके हैं। आखिरी जो टापू का केयरटेकर था डॉन जूलियन बरेरा, उसकी मौत के बाद सिर्फ इन गुड़ियाओं ने इस टापू को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। यूनेस्को ने इस टापू को बाकायदा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर रखा है। हालांकि मैक्सिको की सरकार ने इसे हॉन्टेड प्लेस या हॉन्टेड आइलैंड अभी तक नहीं घोषित किया है, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं मानती है। लेकिन ये गुड़िया का राज इसके बारे में कोई नहीं जानता। लोग अब भी यहाँ आते हैं, देख कर जाते हैं, लेकिन जिस तरीके की गुड़िया है, बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि ऐसी गुड़िया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। एक एक पेड़ पर दर्जनों गुड़िया, और वो उनमें से बहुत सारी गुड़िया ऐसी जिसे देख कर आप डर जाएँ, आपको डर लगे। और ये बातें भी कि ये गुड़िया आपस में कानाफूसी करती हैं, बातें करती हैं, देखती हैं, पलकें हिलाती हैं, घूमती हैं, हंसती हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसी वजह से इसे द आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है, द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि उस सारी गुड़ियाँ हैं वो किसी मुर्दे की जरा ही लगती हैं। और इस टापू को इन गुड़ियाओं ने दुनिया का सबसे रहस्यमय टापू बना दिया है। तो आज भी यहाँ पे लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन गुड़िया का राज क्या है? इतने सारे सैकड़ों हज़ारों गुड़िया, हालांकि उनमें से यह है कि बहुत सारी गुड़िया जो बाद में लोग जाते थे तो ये मानकर जाते थे कि उस बच्ची की आत्मा उसे गुड़िया से प्यार है, तो चलो हम भी उस टापू पे गुड़िया रख कर आ जाए ताकि बच्ची खुश हो। तो ये सोच और इस नीयत के साथ भी गुड़िया लेकर जाकर पेड़ पे टांग देते हैं। लेकिन इससे पहले के जो सैकड़ों गुड़ियाएँ वहाँ पर टंगी हुई थी, वो कहाँ से आई, उसका राज क्या है, ये आज तक कोई नहीं बता पाया। हमारी क्राइम तक फैमिली के कुछ मेंबर, मुझे याद है मेरे पास मेल भी आते हैं, मैक्सिको से भी कुछ मेल है। तो अगर आप लोग भी ये कहानी सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई गया हो इस द आइलैंड ऑफ डॉल तो आप ज़रूर बताएं, शेयर करें। मैं बाकी अपनी क्राइम तक फैमिली मेंबर के साथ शेयर करूँगा। और आपके पास अगर कोई तस्वीर ली हो आपने तो वो भी बताएं, और इसकी और डिटेल में अगर कहानी इन गुड़ियाओं का रहस्य राज क्या तो वो भी बताएं, वो भी शेयर करूँगा। तो ये थी कहानी जिसकी बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की थी क्राइम तक फैमिली मेंबर ने। और वाकई अजीब कहानी है कि एक ऐसा टापू, एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर इतनी सारी गुड़िया पेड़ों पर टंगी, गुड़िया बच्चों की गोद में, कंधे पर, बिस्तर पर, अलमारी में, टेबल पर, तो ठीक लगता है क्योंकि बच्चों के खेलने की उम्र होती है गुड़िया गुड्डा से। शायद हम में से ऐसा कोई नहीं हो जिसने ना खेला हो, लेकिन इस तरह पेड़ पर टंगा होना या टांगना और इस तरह की गुड़िया आप खुद तस्वीरों में देखें, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो ये थी कहानी एक रहस्यमय टापू और उन गुड़ियाओं की जो पेड़ों पर टंगी है। तो कहानी का सिलसिला यहीं तक है, लेकिन सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों के मेल हैं। दिनेश भगेरवाल जी, इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिनेश जी, और इनके बेटे आयुष, पत्नी रेखा जी हैं, और युवराज पोते हैं शायद, इन्होंने भेजा है। इसके अलावा अर्जुन जोशी, इनका भी आज जन्मदिन है, 24th असम राइफल में पोस्टेड है नॉर्थ ईस्ट में, और मनु जोशी इनकी सिस्टर हैं, उन्होंने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे अर्जुन जी। इसके अलावा रूप विजय प्रताप, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रूप साहब। शोभा दास जी की मम्मी का भी आज बर्थडे, इन्होंने मम्मी का नाम नहीं लिखा, शायद भूल गई, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से शोभा दास जी की मम्मी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। साथ ही शोमा और जॉली चौधरी, इनकी एनिवर्सरी है तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और इनके बेटे मजहर, फरहान और राहिल, और लास वेगस में ये भी रहते हैं लेकिन वैसे कोलकाता के रहने वाले हैं। इबादुल्ला खान ने लिखा है कि आयशा सुसाइड केस जो गुजरात का था उसमें आरिफ को क्या सज़ा हुई, तो ये मामला अभी कोर्ट में है, जब फाइनल जजमेंट आएगा, जो भी फैसला होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
कल्पना मलकोटी जी हैं, इसके अलावा पूजा आहूजा हैं, थैंक यू सो मच पूजा आहूजा, और विकास गुप्ता, ये दो लोग फिलहाल मेरे आजकल टीचर हैं, अंग्रेजी सुधार रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सुधार रहे हैं। हाउस्टन को अब मैं ह्यूस्टन बोलने लगा हूँ, लेकिन कल इन्होंने कहा कि डेलस मैंने गलत बोला था, वो डेलस है। तो डेलस थैंक यू सो मच पूजा आहूजा और विकास गुप्ता, आप दोनों का। राकेश देव लेकर हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा पीयूष बघेल हैं, मोटिवेशनल स्टोरी चाहते हैं कि सुनाऊं। दीप नारायण सिंह हैं अयोध्या से। इसके अलावा सत्या हैं, बैंक में इनकी नौकरी लगी है, मुरादाबाद गए हैं, लेकिन शायद ये परेशान है कि मुरादाबाद में कहीं ज़्यादा क्राइम तो नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए आराम से रहिए, आराम से नौकरी कीजिए। अनिमेश मिश्रा हैं, एक कहानी की फरमाइश इन्होंने भी की है। इसके अलावा शुभांगी घुबाड़े हैं, और घुबाड़े या घुबाड़े पर शुभांगी, ये तो मैंने सही कहा। तो सत्तारी तालुका गोवा में है, और यहाँ पे एक चोर उत्सव मनाया जाता है मार्च में, उसकी कहानी सुनना चाहती हैं। प्रियंका द्विवेदी हैं, आईपीएल फिक्सिंग की कोई कहानी सुनना चाहती हैं। अभिषेक गर्ग हैं ऋषिकेश से, और कहते हैं कि आप इतनी कहानियाँ कहाँ से लाते हैं, तो उसके लिए बड़ी रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, टीम भी काम करती है। हाँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी दिन ऐसा लगा कि आज कोई कहानी नहीं है, अभी तक शुक्र है, तो कहानी इसी तरह से जारी रहेगी। अनीता विजयपाल हैं, तीन स्टोरी की फरमाइश की, ये ऑक्सफोर्ड से हैं और अच्छा काम भी कर रही है एजुकेशनल फील्ड में। और अनीता जी, ज़रूर मैं उस स्टोरी को आपको जल्दी सुनाऊंगा, थैंक यू सो मच। तो आज कहानी में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, कल संडे है, तो कल मेरी भी छुट्टी, और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों की भी छुट्टी अच्छे से गुजरे। मंडे किसी नई कहानी के साथ रात 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।